क्या हाल है दोस्तों। आपने मछली का तो काफी सारा रेसिपी खाया होगा, पर आपने क्या मसाला फिश फ्राई ट्राई किया है? तो आज हम शेयर कर रहे हैं इसकी रेसिपी। तो इसके मसालों के लिए हमने आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच गोलकी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर मिलाया है। नमक भी करीब हमने आधा चम्मच लिया है और बेसन हमने 1.5 चम्मच का यूज़ किया है। बेसन से ना मसालों का कोटिंग काफ़ी अच्छे से होता है। और इस पे मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन और सरसों का पेस्ट मिलाया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के लिए हमने थोड़ा सा पानी मिलाया है ताकि मसाले अच्छे से रेडी हो जाए। मसालों को हमें पूरा गीला भी नहीं करना है, पूरा ड्राई भी नहीं रखना है, इसे मीडियम बैटर रेडी करना है। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे 4 मछली का पीसेस लिया है। अब इसमें मसालों को अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। मसाला मिलाने में कंजूसी न करें, सारे मसाले को अच्छे से मछली में लगा दें। मसाला तो हमने अच्छे से कोटिंग कर लिया है, तो अब बारी आती है नींबू, क्योंकि इससे मछली में ना थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है। अब इसे हम अच्छे से मिला के रख देंगे। अब हमारा मछली फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैंने एक पैन में करीब 10 चम्मच तेल लिया है, तेल हमने सरसों तेल लिया है। अब इसमें एक एक करके मछली को हमें डाल लेना है। और ध्यान रहे, गैस का फ्लेम हमें मीडियम फ्लेम में ही रखना है। अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट के बाद एक साइड फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने कुछ कड़ी पत्ता का यूज़ किया है। कड़ी पत्ता को ऐसे ही चिपकाना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसे दूसरे साइड भी हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं मछली एक साइड से हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। सारी मछली को हम दूसरी तरफ पलट देंगे और उसे भी हम अच्छे से पका लेना है। इसे हमें इसे ढक देना है, इसमें मछली हमारा फ्राई भी होगा और कुक भी अच्छे से होगा। अब हमारा मछली अच्छे से रेडी हो चुका है, इसे हम पलट देंगे। है ना बिल्कुल यूनिक रेसिपी। अब घर पे कोई मेहमान आए या आपको ही खाने का मन हो तो ये झटपट रेसिपी जरूर अपनाएं। मछली तो हमारा बन के तैयार है, अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इसमें कच्चे प्याज और नींबू का जरूर यूज़ करें।